सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रभु श्री राम के नाम पर भाजपा नेताओं के द्वारा की गई चंदा चोरी में हर दिन नया खुलासा हो रहा है, हर दिन नई जानकारी मिल रही है और इस देश और दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, इसका पूरा सच सामने आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा काला कर लेना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे घोटाला, उनकी जमीन खरीद में घोटाला, आज अगर मंदिर निर्माण में विलंब का सबसे प्रमुख कारण कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चंदा चोरी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के चंदा चोरी की वजह से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में रोक लगी है तो इसके लिए देश के करोड़ों राम भक्त बीजेपी के नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। 8 दिन हो गया, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई FIR नहीं, कोई जांच नहीं। मेरे विरुद्ध कह रहे थे कि मानहानि का मुकदमा करेंगे, अभी तक कोई मानहानि का मुकदमा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप देश के संतों की भावनाओं के साथ, महंतों की भावनाओं के साथ, शंकराचार्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से अयोध्या में संतों ने मीटिंग की, वहां पर एक स्वामी दिलीप दास जी थे, वो भावुक हो गए और कहने लगे कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि के निर्माण में, प्रभु श्री राम एक बालक हैं और हम अपने राम को मां की तरह मानते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की सेवा करती है, ममता करती है, स्नेह करती है, उसी प्रकार से राम के भक्त राम के प्रति भावना रखते हैं, भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। यह उस संत का कथन है। और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 20 लाख की जमीन 1 करोड़ में बेच दी जाती है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। ये जमीन जो 20 लाख में खरीदी गई, बीजेपी नेता, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण के द्वारा 20 लाख में खरीदकर 2.5 करोड़ में बेच दी गई। और जब कल आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जमीन दी थी, यह जमीन तो नजूल की है, मेरे पास तो ADM संतोष कुमार सिंह और मेयर आए थे। उन्होंने भाजपा के मेयर का नाम लिया, भाजपा का मेयर आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी के पास जाता है, उनसे जमीन लेता है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर, वो 20 लाख रुपए में जमीन दे देते हैं और उसी जमीन को मेयर का भांजा 2.5 करोड़ रुपए में बेच देता है, नजूल की जमीन। तो जिलाधिकारी को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि नजूल की जमीन तो फ्री होल्ड होनी चाहिए, इसमें राजस्व की चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। उस ADM संतोष सिंह को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्व की चोरी हुई, नजूल की जमीन फ्री होल्ड हुए बगैर करोड़ों का घोटाला करने के लिए बेच दी गई। और क्या कहते हैं भाजपाई, कहते साहब हम तो राम भक्त हैं, हम तो राम भक्त हैं, हम तो राम भक्त हैं। ये कैसे राम भक्त हैं देखिए आप।
ये माताजी सावित्री देवी जी ने एक जमीन अपने पौत्र को दान में दी, एक पैसे नहीं लिया उसका, दान में दिया अपने पौत्र को, दीप नारायण को, जो बीजेपी के नेता का भांजा है, दान में दी हुई जमीन को 1 करोड़ रुपए में दीप नारायण ने, बीजेपी नेता के भांजे ने, ट्रस्ट को बेच दी। दादी से मिली हुई दान में जमीन और बिक गई ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में। ये देखिए पूरे कागजात। और हर जगह आपको एक नाम जरूर मिलेगा, क्या नाम है वो अब तो रट गया होगा आप लोगों को, क्या नाम है? अनिल कुमार, ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार हर जमीन के खरीद में गवाह हैं। ये प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनवा रहे, ये तहसील में बैठकर जमीन की दलाली खा रहे हैं। हर जमीन में ये दान की जमीन 1 करोड़ में बेच दी बीजेपी के नेता ने, और इसमें भी गवाह अनिल कुमार मिश्रा, और इसमें भी गवाह जो 20 लाख की 2.5 करोड़ में बिकी, उसमें भी गवाह अनिल कुमार मिश्रा, ट्रस्ट के सम्माननीय आदरणीय सदस्य, ये 2.5 करोड़ में जो बिकी 20 लाख रुपए की जमीन, इसमें भी गवाह अनिल कुमार मिश्रा। और अनिल कुमार मिश्रा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अनिल कुमार मिश्रा को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट का सदस्य बनाया। और ये क्या कर रहे हैं आप देखते जाइए, ये इनका असली चेहरा। और आज मैं आपको दिखाता हूं, दो और जमीन है, एक जमीन है ब्रजमोहन दास जी की, ये जमीन 23 मई 2021 को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय जी को बेची गई, और इस जमीन की मालियत 92 लाख रुपए है। लेकिन ये जमीन 6 गुना से ज्यादा दाम पे किसको बेच दी गई? ट्रस्ट को बेच दी गई 5.60 करोड़ रुपए में। 92 लाख की मालियत की जमीन 5.60 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई। दीप नारायण को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है, बीजेपी के नेता को मालियत से सस्ती जमीन मिल जाती है, और वही बीजेपी का नेता ट्रस्ट को 4 गुना 6 गुना 12 गुना 13 गुना महंगे में जमीन बेच रहा है। बीजेपी के नेता चंदा चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बीजेपी के नेताओं को देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और सारा पैसा इनसे वसूला जाना चाहिए, इनसे गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें एक और खतरनाक बात हुई है, वो खतरनाक बात क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। 23 मई को यह जमीन खरीदी गई। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, वो तो खैर हर जमीन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसमें भी गवाह है अनिल कुमार मिश्रा, इसमें भी गवाह है अनिल कुमार मिश्रा। ये जो 92 लाख की जमीन 5.60 करोड़ में बिकी, इसमें भी गवाह है अनिल कुमार मिश्रा। ये ट्रस्ट के सम्माननीय सदस्य, इनको प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, और ये जमीन की दलाली खा रहे हैं बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर। और इसमें खतरनाक बात यह है कि जिस ब्रजमोहन दास जी ने यह जमीन बेची है 23 मई को, उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा है कि गाटा संख्या 82 यानी लगभग 380 वर्ग मीटर जमीन, यानी करीब करीब 1.53 करोड़ की जमीन जो इनकी है ही नहीं, निरस्त हो चुकी है, वो इन्होंने
ट्रस्ट को बेच दी। समझ पा रहे हैं आप घोटाला? समझ पा रहे हैं? इनकी जमीन निरस्त हो गई है मार्च के महीने में, और मई के महीने में वही गाटा संख्या ये बेच रहे हैं ट्रस्ट को। कितने लागत की जमीन? करीब करीब 1,53,00,000 रुपए के लागत की जमीन। और अनिल कुमार मिश्रा जी को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम आपको ट्रस्ट का सदस्य बनाते हैं प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन अनिल कुमार मिश्रा जुट गए अपना आलीशान घर बनाने में। देखिए आप, अयोध्या में एकमात्र घर है जिनके घर में लिफ्ट लगी हुई है।